रेकलेस स्क्वाड। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया की बियर्स का रिव्यू और देखते हैं कि सबसे बढ़िया टेस्ट किस बियर के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। भाई कोई गिलास वगैरह बढ़ा दे। हेवर्ट्स 5000 जो कि स्ट्रॉन्ग एंड प्रीमियम बियर होती है। अदरवाइज करते हैं इसको टेस्ट और बताते हैं आपको इसका टेस्ट कितना मस्त है। मेरे हिसाब से इसकी जो बॉटल देख के तो हमें तो लग रहा है काफी हाई। इस पे लिखा भी है दुल्हन की तरह सजी हुई है। भाई ये बहुत स्ट्रांग है यार। तू बस यार, यार मुझे बेकार लगी है। सही में यार बेकार नहीं लेकिन ठीक है, काफी स्ट्रांग है यार ये। इसका मैं बताऊं आफ्टर टेस्ट भी ना थोड़ा सा गंदा वाला है। ऐसा नहीं, बहुत बुरा है। मतलब टेस्ट का काफी थोड़ा सा एंटी टाइप का है बिल्कुल। तो भाई यार अब कुछ चकना वगैरह कुछ खाने को देते यार, मुंह बहुत गर्म। हां कहां है स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, डबल स्ट्रॉन्ग बीयर होती है जो कि पीने में बहुत बढ़िया होगी। देखते हैं टेस्ट बताया तो जाता है कि बहुत बढ़िया होती है। चलिए इसको खोलते हैं। ओपन इट। भाई इसका कलर देख लो यार। मसला है ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। तो कार्ट के बारे में एक बात बता दें कि कार्ट अभी तक मार्केट में मेरे ख्याल से मैंने तो 6-7 महीने पहले देखी है, उससे पहले कभी मार्केट में नहीं देखी। सही बात। टेस्ट करते हैं इसको। कुछ ठीक है, सही है। हावर्ड से तो अच्छी लगी, काफी बेटर है। एंड इसका आफ्टर टेस्ट भी इतना गंदा नहीं है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट बियर है हमारी रियो। इसमें जो है आम बियर्स के मामले में थोड़ा सा अल्कोहल जो होता है 2x होता है, यानी 2 गुना होता है। चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसी लगती है। ओ भाई साहब, भाई मुझे तो एक बार तो देखकर मुंह निकल रहा है इससे। भाई ने छल्ले छोड़ दिए। इसका कलर यार बड़ा लाइट है यार, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। लेकिन आई होप कि ये पीने में सॉफ्ट नहीं है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल लिखा हुआ है काफी ज्यादा है। ओ भाई क्या है यार, यार मीठी है। अरे इट्स टू मच, इतनी मीठी होती है बियर यार, इसमें कितनी चीनी मिली हुई है भाई। आई डोंट नो यार, मुझे तो ना लग रहा है ना कि इसमें वाइन और बियर को मिक्स करके कॉकटेल टाइप का बना के दोनों को वाला हम लोगों को चिपका रहे हैं इंडिया वाला। सही बात है यार, मतलब क्या है। कार्लसबर्ग ये मेरे को काफी अच्छी लगती है, मैंने बहुत पी है एंड मेरे पीने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसको देखते हैं आप लोग। भाई मैं एक बात बताऊं, मैंने जब भी इसको खरीदा ना तो एलिफेंट के नाम से कभी कार्लसबर्ग सही में एलिफेंट के नाम से लिखती है। इसका कॉस्ट शायद मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास है। हाँ, सही बात है। बाकी जो आपको प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे सारे बियर के साथ। हाँ। तो करते हैं इसको ओपन, बताते हैं आपको टेस्ट। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं कार्लसबर्ग। चेस चेस भाई हल्के करना, ग्लास महंगे आए अपने। यार मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है पीने में, सही बताऊं नहीं काफी तैयार। मैंने एक दो बार पहले भी पिया, इसका टेस्ट आफ्टर टेस्ट सब कुछ बढ़िया है, एकदम लेवल बड़ी मस्त। गॉडफादर पीने के बाद ना मुझे यार इंतजार नहीं होता है। अगर आप थोड़ा पी रहे हो तो आपको जो पीने वाले हो उन्हें पी रहे हैं ना तो आपको बैठ नहीं होगा। ले
लेजेंडरी बियर है भाई साहब, बहुत बिकती है, बहुत पी जाती है यार ये। मैं पहले टाइम पे रूम से बता रहा हूँ, मैंने नाम उसका बहुत सुना है। नाम में एक और है पापा जी, पता नहीं का नाम जो भी इसने बियर बनाने वाला है उसने पता नहीं किस क्या नाम सोच के इसका गॉड फादर नाम रख दिया भाई। चलिए करते हैं इसको फटाफट, प्रीमियम जर्सी को फटाफट से ग्लास में डालो। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं भाई, सस्ते नजर हो रहे हैं ना सस्ते वाले। इसका ना यार कलर बहुत बढ़िया आ रहा है, कलर सही आ रहा है बिल्कुल। पी यार सही है यार, ये भी मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कहूँ तो मुझे भी सॉफ्ट लगी, ज्यादा सॉफ्ट लगी, ज्यादा ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कड़वी लगे या सही है, मीडियम है। मतलब प्रीमियम है तो टेस्ट में इसका प्रीमियम ही है, मतलब आप कह नहीं सकते कि प्रीमियम नहीं है भाई। कितने की आती है? मैं लेने गया, मैंने ठेके वाले से रेट नहीं पूछा भाई कितने की है, मैंने कहा दे दो जो आ रहा है। बड़े लोगों के शौक है ऐसे होते हैं। ये वाली भाई साहब बहुत पी जाती है भाई। मैं एक बार बताऊं ना कि सब फर्स्ट टाइम मैंने जब कोई बियर पी थी ना तो भाई केक फिजर पी थी, लॉन्डो की फर्स्ट टाइम मेरी बियर केक फिजर थी। लेकिन भाई इसका टेस्ट बहुत खराब, लेकिन इसका टेस्ट आज भी वैसा ही है और सबसे ज्यादा पी जाती है यार ये। मैंने देखा है आजकल के लॉन्डो को ना सबसे ज्यादा यही पीते हैं भाई। इंडिया की तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकने वाली टेक फिर ज्यादा है, और किस किस ने पी है वो कमेंट करके बताए। हाँ बताना जरूर। लाल तो बियर टेस्ट करते हैं भाई, मुझे तो पहले जैसी लगी, बिल्कुल सेम टेस्ट है, कुछ भी नहीं बदला, ना पैकिंग ना टेस्ट, एकदम सेम है। और जितनी बिकती थी उससे दो गुना बिकती है आज भी। लेकिन भाई पैकिंग बदल चुकी है, लेस जस्ट बिटर, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल से खर्चा नहीं किया होगा। खर्चा किया ही नहीं है भाई साहब, जब बिक रही है तो क्यों करेंगे खर्चा। लेकिन इसका टेस्ट आज भी भाई साहब बाकी बता है, इसका टेस्ट आज भी कड़वा है, आपको लगेगा बियर पी रहा है, बियर पी रहे सही बात है। लेकिन टॉप 5 सेलिंग में जो है किंग फिजर का नाम आता है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। हमारा दिखती है सबसे ज्यादा ये लॉन्डो दिखते हैं। मैंने खुद भाई इसी लिस्ट का तो मैंने एक बार भी बहुत बार किया, मैंने किंग फिजर ही किया। मैं चाहता हूँ मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले किंग फिजर टॉप नंबर पे आती है भाई, मेरे को तो पसंद है। आपको अगर पसंद है तो आप जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। और किसकी फर्स्ट बियर थी ये भी बता देना। किसी के सामने जा रहे हैं बात करें भपक रहे हैं <बहुत बड़ी। laughs>
₹150 में जो बिक रही है एक नंबर है। भाई अगर
पहली बार पी रहे हो ना तो प्लीज आपसे निवेदन ये मत पीना बस। किंगफिशर पी लो, कार्सबर पी लो, ये मत पीना बस। आपको बियर के नाम से नफरत हो जाएगी, सही बता रहा हूँ बिल्कुल। और बियर के नाम से अगर कोई भी आपको खरीद दे तो मत लेना। मत लेना भाई, पहली बार तो बिल्कुल मत लेना। हाँ आपको एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो आप आराम से पी सकते हो, इतना कोई नहीं है। एक भाई को बहुत ज्यादा है, मेरा पहली बार है ना भाई। मैं ये तो 1 साल से पी रहा हूँ, ऐसा इतना मेरे को एक्सपीरियंस ना भाई। ज्यादा सीरियस मत लेना इसकी बात। पसंद नहीं है ये आदमी, मेरे को पिला रहा है तो मैं पी रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखना नहीं, एक सेकंड इसका ग्लास देखना, मेरे ग्लास देखना भाई। मेरे को ना इससे पहले हम लोगों ने ट्राई की थी अभी रियो, लेकिन रियो से बेटर, रियो से बेटर। हाँ इतना तो मैं भी बोल सकता हूँ रियो से। आप 20-30 रुपए मिला के थोड़ा अच्छा सा ब्रांड मिक्सर पी सकते वाइन और बियर का, बिल्कुल सही है, बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से। सही है, अगर आप जो वाइन लवर हैं या कोई भी है, आप अगर आपके बजट नहीं है 1000 रुपए पीने का, तो आप 160-170 रुपए खर्च करके ये बात है कट भी नहीं है, आपको मजा आएगा। एक बार आप मेरे कहने से पीना, बिल्कुल मजा आएगा आपको। फर्स्ट बियर लेकिन हाँ, आप अकेले मत पीना, आप चखना रहेगा किसी को साथ में तब पीना भाई। तीन लोग देखो, एक आपके हाथ पकड़ेगा, एक टांगे पकड़ेगा, तीनों बहुत अच्छी है, सही बता रहा हूँ। फर्स्ट बियर ट्राई करनी है, पैसे पर चाहिए ये, यही सजेस्ट करूंगा भाई, कुछ नहीं चाहिए, यही सजेस्ट करूंगा भाई। वीडियो खत्म होने के बाद पूरी खत्म करके जाएंगे हम लोग ये, और एक हो गई अपनी केजी यानी किंग फिशर, ये दोनों खत्म करके जानी है पाकिस्तान। और अगर आपको अगर आपने कौन सी फर्स्ट टाइम पी थी आप वो कमेंट में करके बताइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा भाई साहब। इतने सब्सक्राइब करा दो, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आए डेली के डेली। आप बड़े एक्सपेक्ट कराएंगे, हम कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, आप कमेंट कीजिए 1000 कमेंट ओनली, और कुछ नहीं, सिर्फ 1000। और आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो कभी कभी पीते हैं और घर वालों से छुपा के पीते हैं, और अभी तक जिसने भी क्लोज नहीं किया है किसी और गर्लफ्रेंड साथ में, जो कभी कभी पीने वाले हैं और वीकेंड में पीते हैं, हाँ जो पार्टी साड़ी में पीने वाले हैं, उन लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा आपका। और आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, क्योंकि अभी आने वाले वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो भाई मेरी तो हो चुकी खत्म, इसके रहेंगे भाई मेरी हो चुकी है। अबे ये बहुत टल्ली आदमी है यार। ना भाई टल्ली वाली बात नहीं है भाई, मेरे को पसंद नहीं, मैंने पी ली, बात खत्म। ये मेरे को सच में समझ में नहीं आ रही है। आप पीना, आपको समझ में आए कमेंट करके बताना, बाकी बात बाद में करते हैं। अभी के लिए लेट्स बाय एंड सब्सक्राइब टू द बैचलर्स स्क्वाड। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।